जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर MPG के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके यहाँ तक पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम थोड़ी सी बता दें आपके लिए अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी लेकर आया है यहाँ पर आपके लिए फ्री प्लान, जिसमें आप MPPSC एंड व्यापम संबंध कोई सा भी एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लें। यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे फ्री प्लान उपलब्ध हैं, प्लस आपका सब्सक्रिप्शन भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम आपके लिए बता दें फ्री प्लान में आपके लिए क्या है, तो यहाँ पर फ्री टेस्ट सीरीज है। फ्री टेस्ट सीरीज में आपके लिए यहाँ पर बता दें एमपी जो है MPPSC प्री के लिए चैंपियनशिप है 2020 के लिए, यहाँ पर अटेंड करें। प्री मॉक टेस्ट है और इसका एनालिसिस बताया जाता है। नेक्स्ट डे एमपी के टॉप एजुकेटर यहाँ पर उपलब्ध हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि टॉप तीन रैंकर्स जो रहते हैं, टॉप थ्री विनर्स रहते हैं, उनके लिए एक महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जाता है अनअकैडमी के द्वारा। तो ये जो है यहाँ पर टेस्ट होते हैं, ये टेस्ट देखिए, फर्स्ट टेस्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये जो है यहाँ पर आपके लिए डेट दी गई है। ये डेट याद रखिए, यहाँ पर टॉप थ्री विनर्स के लिए एक महीने का सब्सक्रिप्शन दिया जाता है। और यहाँ पर फ्री मॉक टेस्ट है फॉर एमपी पुलिस के लिए और एसआई के लिए। तो एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं जो, उनके लिए तो अभी बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर सुनहरा अवसर है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी अटेंड फ्री मॉक टेस्ट है और एनालिसिस भी बताया जाता है और एमपी के टॉप एजुकेटर है। एक महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन भी यहाँ पर आपके लिए दिया गया है टॉप थ्री विनर्स के लिए। ये जो देखिए आपका फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, ये आपकी यहाँ पर डेट दी गई है 26-27-28 को। एसआई एमपीएसआई के लिए भी यहाँ पर मॉक टेस्ट हैं, तीन मॉक टेस्ट हैं, 13 फरवरी, 20 फरवरी और 27 फरवरी के लिए। फिर इसके बाद यहाँ पर प्लस फीचर्स जान लेते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन में यहाँ पर क्या क्या आपके लिए उपलब्ध रहता है, तो यहाँ पर फेवरेट एजुकेटर है आपके, यहाँ पर कंप्लीट आपकी तैयारी करवाई जाती है, रेगुलर आपका डाउट क्लियर सेशन भी होता है और यहाँ पर कवरेज आपका पूरा जो भी सिलेबस रहता है पूरा कवर किया जाता है। प्री मॉक टेस्ट सीरीज भी है यहाँ पर, वीकली मॉक टेस्ट भी आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि खजुराहो के कितने मंदिर अभी भी अस्तित्व में हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है 2017 में व्यापम द्वारा पूछे गए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्या है इसका सही आंसर बताना है, खजुराहो के कितने मंदिर अभी भी अस्तित्व में हैं यह बताना है। तो आपका सही आंसर है 22, विकल्प नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर है, विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है राज्यसभा में मध्य प्रदेश को कितने सीटें आवंटित की गई हैं 2017 में, ये पूछे गए क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपका सही आंसर है 9, 11, 10, 12। तो क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर जो सही आंसर है, अगर आपसे आंसर बनता है तो आप कमेंट में जरूर बता दीजिए क्या होगा इसका सही आंसर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर विकल्प नंबर 2 यानी कि विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है, 11 आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या है, अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है रतलाम जिला किस वर्ष में स्थापित किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रतलाम जो जिला है, रतलाम जिला किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का यहां पर सही आंसर बताना है, 4 विकल्प दिए गए हैं और इसका जो सही आंसर है रतलाम जिला किस वर्ष में स्थापित किया गया था, तो आपका सही आंसर है बिल्कुल सही विकल्प नंबर आपका 3 यानी कि 1948 आपका यहां पर सही आंसर है, 1948 आपका यहां पर राइट आंसर है विकल्प नंबर 3 यहां पर जिन्होंने बताया है उनका यहां पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या है, अगला क्वेश्चन, ग्वालियर में जीवाजी विश्वविद्यालय का निर्माण किस वर्ष हुआ था। तो जो जीवाजी विश्वविद्यालय है ग्वालियर में है और इसका जो निर्माण हुआ था किस वर्ष हुआ था यह बताना, क्वेश्चन नंबर 4 में 4 विकल्प दिए गए हैं आपके सामने, 1965, 1967, 1966। तो क्या है इसका आंसर जल्दी से बताइए कमेंट में, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का वह है विकल्प नंबर, क्या है राइट आंसर, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी यानी कि 1964 आपका सही आंसर है, 1964 आपका सही आंसर है, 1964 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है
क्या है अगला क्वेश्चन? तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि 14वीं शताब्दी में मालवा का क्षेत्रीय राज्य बना, इसकी राजधानी थी, तो इसकी राजधानी क्या थी? इंदौर थी, ग्वालियर थी, गोंड थी, मांडू थी। ये आपके चार विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। 14वीं शताब्दी में मालवा एक क्षेत्रीय राज्य बना, इसकी राजधानी थी, तो इसकी राजधानी थी मांडू। मांडू विकल्प नंबर आपका डी, विकल्प नंबर जो डी है वह आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से इंदौर में जन्मे भारतीय क्रिकेटर कौन हैं? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंदौर में जन्मे भारतीय क्रिकेटर इनमें से कौन है? चार विकल्प भी दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर है, वीरेंद्र सहवाग, बीबीएस लक्ष्मण, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताना है। तो बिल्कुल सही, क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है आपका विकल्प नंबर डी, यानी कि राहुल द्रविड़ आपका यहाँ पर क्वेश्चन विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर है। राहुल द्रविड़ एक भारतीय क्रिकेटर हैं और जो है इंदौर में जन्मे हैं। अगला क्वेश्चन है क्या है? अगला क्वेश्चन है 2017 में खजुराहो नृत्य महोत्सव में निम्न में ऐसे कौन सा देश अतिथि देश था? तो कौन सा वह देश था जो अतिथि देश था 2017 में खजुराहो नृत्य महोत्सव में? तो आपका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का, वह है नेपाल, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर क्या है राइट आंसर? बिल्कुल सही, बांग्लादेश विकल्प नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि रामायण में निम्नलिखित जनजातियों में ऐसी कौन सी जनजाति का उल्लेख है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या है इसका सही आंसर? रामायण में निम्नलिखित जनजातियों में ऐसी कौन सी जनजाति का उल्लेख है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है आपका वह है कोल, भील, उपरोक्त सभी या गौण। तो आपका सही आंसर है क्या है? उपरोक्त सभी आपका यहाँ पर सही आंसर है। उपरोक्त सभी में कोल भी, भील भी और गौण भी, विकल्प नंबर 3 यहाँ पर सही आंसर है, जिसमें है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है मेघदूतम में किस नगर की सुंदरता का व्याख्यान किया गया है? तो मेघदूतम में किस नगर की सुंदरता का व्याख्यान किया गया है? क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर बताना है। चार विकल्प दिए गए हैं, भोपाल, उज्जैन, ओमकारेश्वर या महेश्वर। तो आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आपका सही आंसर है यहाँ पर बिल्कुल सही उज्जैन, विकल्प नंबर आपने जो 2 बताया है, जिन्होंने भी विकल्प नंबर 2 बताया, विकल्प नंबर बी उनका राइट आंसर यहां पर है। अगला क्वेश्चन है क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में बैंक नोट मुद्रालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर बताना है। तो अशोक नगर में है, देवास में है, रायसेन में है, मंदसौर में है। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है अपना, और 10 का सही आंसर है आपका क्या है राइट आंसर? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है आपका विकल्प नंबर 2 यानी कि देवास आपका सही आंसर है, देवास राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि मध्य प्रदेश की पहली विपक्ष महिला नेता कौन थी? तो पहली विपक्ष महिला नेता, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की कौन थी? तो बता दीजिए मध्य प्रदेश की कौन थी पहली विपक्ष महिला नेता? तो आपका सही आंसर है बिल्कुल सही, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है जमुना देवी, विकल्प नंबर आपका 1 यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि परधौनी किस जनजाति का लोक नृत्य है? परधौनी जो नृत्य है लोक नृत्य है एक किस जनजाति का है? यह बताना है कोली या हलवा या बैगा। तो ये आपके यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर यहाँ पर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है बैगा जनजाति का लोक नृत्य है कौन सा? परधोनी। अगला क्वेश्चन है क्या है? अगला क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 13 है मध्य प्रदेश में कौन से जिले में अधिकतम उद्योग घनत्व है? तो अधिकतम उद्योग घनत्व क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर बताना है, इंदौर में, भोपाल में, गुना में, रतलाम में। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है आपका क्या है राइट आंसर? बिल्कुल सही, इंदौर, विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है, इंदौर जिन्होंने बताया उनका सही आंसर। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 14
क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। क्षेत्रफल के अनुसार बताना है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, बैतूल या आपका भोपाल। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपका सही आंसर बिल्कुल सही विकल्प नंबर एक आपका छिंदवाड़ा राइट आंसर है। विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि पर्यटन पर 2016 ब्रिक्स कन्वेंशन कहाँ आयोजित किया गया था। 2016 की बात चल रही, 2016 में पर्यटन पर ब्रिक्स कन्वेंशन जो हुआ था कहाँ पर आयोजित हुआ, खजुराहो में, भीमबेटका, भोपाल, उज्जैन। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है आपका खजुराहो। विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर सही आंसर बिल्कुल सही, खजुराहो विकल्प नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि क्या है अगला, 64 योगिनी मंदिर कौन से देवी के लिए बनाया गया है, यह बताना है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर, 64 योगिनी मंदिर जो है कौन सी देवी के लिए बनाया गया यह मंदिर है, इनमें से कोई नहीं लक्ष्मी, सरस्वती या दुर्गा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका जो सही आंसर है वह है राइट आंसर यहाँ पर दुर्गा। विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर 4। अगला क्वेश्चन है क्या है अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश में प्रभास जोशी पुरस्कार किससे खेल में दिया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रभास जोशी जो पुरस्कार है मध्य प्रदेश में एमपी में किस खेल में दिया जाता है यह बताना है। चार विकल्प भी दिए गए हैं और क्वेश्चन नंबर 17 है मलखम्ब यानी कि विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो डी है विकल्प नंबर 4 है मलखम्ब आपका यहाँ पर सही आंसर बिल्कुल सही विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है अगला क्वेश्चन, तो देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि वर्ष 2016 में पर्यटन के व्यापक विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी में मध्य प्रदेश ने खालिस्तान पुरस्कार जीता था। तो पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, ये आपके यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर है 18, 18 का राइट आंसर है पहला विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या है, देखिए मध्य प्रदेश राज्य में आखिरी पर्यावरण नीति कब जारी की गई थी, 1996, 1998, 1999 या 1997। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर है आपका वह है राइट आंसर बिल्कुल सही 1999। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो तीन है वह राइट आंसर विकल्प नंबर सी, मध्य प्रदेश में राज्य में आखिरी पर्यावरण नीति जो है कब जारी की गई थी, 1999। अगला क्वेश्चन है किस जिले में खाद पौधों के अनुसंधान मंच की स्थापना की जाएगी, सीहोर, होशंगाबाद, भोपाल, रीवा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है किस जिले में खाद पौधों के अनुसंधान मंच की स्थापना की जाएगी, तो आपका सही आंसर है सीहोर यानी कि विकल्प नंबर एक आपका यहां पर सही आंसर है बिल्कुल सही विकल्प नंबर एक आपका राइट आंसर है। यहाँ पर जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन में और फ्री में क्या अंतर है यहाँ पर। तो सबसे पहले आपके लिए अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है और यहाँ पर हम आपके लिए बता दें फ्री में आपके लिए क्या है, फ्री में आपको यहाँ पर प्री लिमिटेड सिलेबस है, लिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट है, लिमिटेड पीडीएफ नोट्स है और लिमिटेड आपके डाउट क्लियर सेशन है और एमपी के टॉप एजुकेटर है। और अगर प्लस सब्सक्रिप्शन में बात करें इसमें क्या है, तो यहाँ पर आपका कंप्लीट सिलेबस है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट है, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स हैं और अनलिमिटेड रेगुलर आपका यहाँ पर डाउट क्लियर सेशन होता है और टॉप एजुकेटर हैं ये जो है अनलिमिटेड आपका यहाँ पर उपलब्ध है प्लस सब्सक्रिप्शन में। यहाँ पर जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें तो समित जैन रेफरल कोड यूज अवश्य करना है आपके लिए, तभी आपके लिए यहाँ पर 10% डिस्काउंट अभी जो है चल रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर और भी यहाँ पर आपके लिए क्या फीचर्स हैं, तो यहाँ पर वीकली क्विज भी होते हैं यहाँ पर और यहाँ पर डाउट क्लियर सेशन भी होते हैं। देखिए ये जो पीडीएफ है यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर अब जान लेते हैं बैच कोर्स के बारे में, तो बैच कोर्स के बारे में हम आपके लिए बता दें अनअकैडमी के, तो आज ही अनअकैडमी अब डाउनलोड कर लें आप। यहाँ पर आपका फर्स्ट बैच चल रहा है अचीवर बैच, जिसमें एमपीपीएससी प्री 2020 का जो है कोर्स यहाँ पर एमसीक्यू है और हिंदी मीडियम में ये आपका कोर्स है, स्टार्ट हो चुका है 18 फरवरी से। एमपी के टॉप एजुकेटर है आप देख सकते हैं, ये एमपी के टॉप एजुकेटर है, जिसमें 10% डिस्काउंट भी आपके लिए उपलब्ध, समझ जाए रेफरल कोड यूज अवश्य करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। फाउंडेशन बैच कोर्स है
ये 10 महीने का फाउंडेशन बैच कोर्स है जो इंग्लिश मीडियम में है और ये आपका 18 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। ये जो है एमपी के टॉप एजुकेटर हैं आप देख सकते हैं, जिसमें यहाँ पर आपके लिए इसमें भी 10% डिस्काउंट चल रहा है। कोड आपके लिए सुमित जैन रेफरल कोड यूज करना है तभी आप 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। यहाँ पर लक्ष्य एमपीपीएससी 2022 के लिए फाउंडेशन कोर्स प्री और मेन्स दोनों के लिए हिंदी मीडियम में स्टार्ट 19 फरवरी से। यहाँ पर देखिए लोकेन जी हैं, गौरव जी हैं और मुकेश जी हैं, ये जो हैं टॉप एमपी के टॉप एजुकेटर हैं, एजुकेटर जिनके माध्यम से आपकी तैयारी करवाई जाती है। इंडियन बेस्ट एजुकेटर फॉर एमपीपीएससी एंड व्यापम के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये बेस्ट एजुकेटर हैं इंडियन इंडिया के, और जिनके माध्यम से आपकी एमपीपीएससी एंड व्यापम की संबंधित कोई भी तैयारी जो रहती है वह इनके द्वारा करवाई जाती है। यहाँ पर आपके लिए जो है 1 मार्च तक डिस्काउंट चल रहा है, प्लस सब्सक्रिप्शन में आपके लिए 10% डिस्काउंट यहाँ पर चल रहा है। सुमित जैन रेफरल कोड यूज आप करेंगे तो यहाँ पर 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का ये जो सब्सक्रिप्शन जो दिया गया है अभी इसमें 10% डिस्काउंट मिलेगा आपके लिए। तो ये जो है यहाँ पर सभी कोई सा भी आप कोर्स खरीदेंगे 10% डिस्काउंट है आपका। ये डिस्काउंट जो है आपका सीमित है, तो अभी आप इसका यूज कर लें और बाद में आपका ये डिस्काउंट 5% बचेगा। अभी आपके लिए 10% अनअकैडमी दे रही है, सुमित जैन रेफरल कोड यूज करना है तो ये डिस्काउंट है और सुमित जैन रेफरल कोड यूज करें। और व्यापम से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाए अनअकैडमी के साथ। तो आज ही अनअकैडमी आप डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं अनअकैडमी के द्वारा। तो इस प्रकार अपने यहाँ पर 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 20 में से कितने आपसे यहाँ पर सही बने हैं आपके लिए बताना है कमेंट में कि इतने क्वेश्चन हमसे सही बने हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक सबसे पहले पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, सभी लोगों के लिए धन्यवाद। जय हिंद।